नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, सीरीज। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ यही टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही है पर अपने में ही एनालॉजी, ठीक है, मिसिंग नंबर, यानी कि जब भी आपने देखा होगा प्रश्न चिन्ह बना रहेगा और हमसे पूछेगा बताइए यहाँ पे क्या संख्या आएगी, रॉन्ग नंबर को पहचानना, ठीक है, पैटर्न्स या पजल आप बोल सकते हैं, ठीक है, पजल आपको दे देगा वहां पे एक जगह प्रश्न चिन्ह डाल देगा, बोलिएगा आगे बताइए यहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोटा मोटी एक ही चीज पे आधारित है, यानी कि क्या हम पैटर्न को पहचान सकते हैं। सारा कुछ निर्भर करता है पैटर्न के ऊपर, यानी कि पैटर्न को पहचानने के ऊपर, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, और ये एक बड़ा टॉपिक है, ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ देर में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, मैं कुछ सुपरफिशियल लेवल पे, यानी कि ऊपर ऊपर के स्तर पे आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ऐसे कुछ मेथड दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ तरीके, यानी कि ऐसे कुछ मैं आपको मेथड दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ आपको उदाहरण भी कराऊंगा, यानी कि कुछ एग्जाम्पल भी कराऊंगा, और फिर जो भी आपके SSC CGL या CHSL में प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे वो भी आपको कराएंगे। तो पहले तो पैटर्न क्या है वो समझेंगे, किसके आधार पर ये बनता है, फिर हम कुछ मेथड्स देखेंगे, कुछ हम फिर उदाहरण देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर लगाएंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे स्तर पे मैं आज कुछ आपको जानकारी यहाँ पे इसके संदर्भ में दूंगा। देखिए, पैटर्न अमूमन 4 से 5 प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं, पहली बात डिफरेंस के आधार पर बनते हैं, यानी कि अगर हिंदी में हम कहें तो अंतर के आधार पर भी पैटर्न बनते हैं, और मैं कहूंगा बहुत सारे प्रश्न आपके 50% प्रश्न अंतर के आधार पर ही बन जाते हैं, कभी कभी सम यानी कि जोड़ के आधार पर भी बनते हुए दिखेंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी दिखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिवीजन यानी कि भाग के आधार पर भी मिलेंगे, ठीक है, ये भाग के आधार पर भी मिलेंगे। मैं सबके उदाहरण दूंगा आपको, अभी समझाऊंगा कि पैटर्न पहचानना क्या है, पैटर्न देखना कैसे। उसके बाद और क्या मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे डिफरेंस यानी कि अंतर इंपॉर्टेंट था, मल्टीप्लिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं गुणा। एक और पैटर्न अभी कुछ सालों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो है स्क्वायर्स का और क्यूब्स का, स्क्वायर्स का और क्यूब्स का, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, वर्ग और घन का। तो इन सब के ऊपर अब हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस यानी कि अंतर के आधार पर कैसे चीजें बनती हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम संख्याओं को देखेंगे तो हमें एक चीज दिख रही है कि 10 और 16 के बीच में क्या अंतर हुआ, 6 का, 16 और 22 के बीच में 6 का, 22 और 28 के बीच में 6, उसके बाद 28 और 34 के बीच में 6। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि 6 6 6 6 अंतर जो है वो 6 का चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो इसी तर्क के आधार पर यानी कि इसी लॉजिक के बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि आगे भी जो ये अंतर है सेम ही रहेगा, यानी कि 6 का ही रहेगा। तो 34 में 6 जुड़ गया, क्या मिला, 40। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, पेपर में अगर उनको ऐसा पूछना है तो वो कुछ ऐसे नंबर देंगे जहां पे आप कैलकुलेशन करने में हिचकिचाएं या गड़बड़ करने के आपके चांस ज्यादा हो। जैसे कि इसको देखिए, 124 से 173 हो गए, यानी कि 124 से 173 हो गए, अंतर कितने का आया, 49 यानी कि 49 का, 173 से 222 हो गए, कितने का आया, 49 यानी कि अंतर अभी तक सेम दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए वापस 222 से 279, 49। अभी इसी के तर्क के आधार पे हम आगे भी ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पे भी यही सेम चीज लागू हो जाएगी। तो 271 में 49 जुड़ेगा, कितना मिलेगा, 300, तो यहां पे 320 आएगा। अब ये नंबर अगर आप देखेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत आसानी से दिख जाएगा, पर यहां पे कैलकुलेशन कई बच्चे उंगलियों में कर नहीं पाते। तो पेपर में अगर उसने पूछना भी है तो वो ऐसे नंबर देगा जहां पे आप दो बार सोचें कि आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसका काम है आपको डराना, हमारा काम डरना नहीं है। ठीक है, अब देखिए अंतर के आधार पर और कैसी चीजें बनती है। अभी तो हमें अंतर सेम दिख रहा था, पर क्या अंतर हमेशा सेम होगा, नहीं। 7 से 12 हो गए 5, 12 से 18 हो गए 6, 18 से 25 हो गए 7 का अंतर, 25 से 33 हो गए 8 का अंतर। तो जो अभी अंतर है ये भी बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि +1 +1 +1 होते जा रहा है। तो यहाँ पे भी 8 + 1 यानी कि 9 का अंतर दिखाई दे सकता है। तो 33 9 कितना हुआ, 42 यानी कि 42 यहाँ पे आना चाहिए।
ठीक है। अब यहां पे देखिए 10 से क्या हो गया आप 18, 8 बढ़ गए, यहां से कितने हो गए 18 से 28, 10 बढ़ गए, 28 से 40, 12 बढ़ गए, 40 से 54, 14 बढ़ गए। यानी कि अब यहां पे भी अंतर जो है वो बढ़ते हुए क्रम में, यहां आप बोल सकते हैं इवन नंबर्स के टर्म में चलते जा रहे हैं, ये प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो रहे हैं, तो 14 प्लस टू कितना हो जाएगा 16, तो यहां पे क्या होगा 54 प्लस 16 यानी कि 70 आना चाहिए इसी के आधार पर। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 8 हो गया अंतर कितना हुआ 2, 8 से 11 हो गया अंतर कितना हो गया 3, 11 से 16 हो गया अंतर कितना हो गया 5, 16 से 23 हो गया अंतर कितना हो गया 7, तो 2, 3, 5, 7 अभी तक हमारा दिमाग एक चीज को समझना चाहिए कि 23 से हम 34 हो गए कितना हो गया अंतर 11। क्या जब हम इन नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 इनको देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है? बिल्कुल, क्या आ रहा है? प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि जो अंतर है यानी कि जो डिफरेंस है वो किस चीज का पैटर्न फॉलो करने लग रहे हैं यहाँ पे खुद से? प्राइम नंबर। तो 11 के बाद का प्राइम नंबर क्या है? 13, 13 के बाद का 17, तो इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे 11 था तो आगे क्या आना चाहिए? 13 का अंतर, तो 34 और 13 47 यानी कि 47 आना चाहिए था। तो ऐसे पैटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, ये प्राइम नंबर भी ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अंतर अभी तक कैसे चल रहे थे, डिफरेंस कैसे चल रहे थे? एक स्टेज पे चल रहे थे, ठीक है, एक स्टेज पे चल रहे थे, एक स्टेज पे चल रहे थे। अब कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हुए दिखाई देंगे जहां पे अंतर भी दो स्टेज पे चलेंगे, यहां पे आपको थोड़ा खासा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो मैं कुछ इसके बारे में हल्की बातें आपको बताऊंगा, जब हम पूरे सेशन करेंगे ब्रीफ में तो और एग्जांपल्स भी मिलेंगे। यहां पे देखिए कितने का अंतर था 4, यहां पे कितने का अंतर था 9, यहां पे कितने का अंतर है 19, यहां पे कितने का अंतर है 71 में से 37 घटा दीजिए आपको मिल जाएगा यहां पे 34 का अंतर, कितने का मिल जाएगा 34। अब देखिए ये तो एक लेवल है, बट यहां पे हमें कुछ बहुत अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं जिसमें हम तर्क लगा पाए, बट एक लेवल और नीचे आएंगे तो हम देखेंगे 4 और 9 का अंतर 5, 9 और 19 का अंतर 10, क्या 19 और 34 का अंतर 15 होता है? बिल्कुल होता है। तो अब मुझे बहुत आसानी से चीजें दिख रही है, 5, 10, 15 यानी कि 5, 5 की गुणा 2 से 10, 5 की गुणा 3 से 15, आगे क्या आ सकता है 5 की गुणा 4 से 20, 5, 10, 15, 20, यहां पे क्या आएगा 34 और 20 हो गया 54, ठीक है। तो यहां पे क्या आनी चाहिए चीज, 71 में आपको 54 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 71 प्लस 54 आप करेंगे तो यहां पे आप क्या पाएंगे 125, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, ठीक है। अभी मैं कुछ उदाहरण ही दे पा रहा हूं, समय की सीमा है, ठीक है, आगे मैं और भी आपको इसके बारे में चर्चा करते हुए दिखाई दूंगा। अब देखिए यहां पे सम के आधार पर, यहां पे अगर आप अंतर लेंगे तो आप देखेंगे 2-2 का अंतर है, अचानक से 4 हो गया, क्यों हो गया, फिर 6 हो गया, फिर अचानक से 10 हो गया, तो यहां पे बात बनती हुई आसानी से दिखाई नहीं देगी अगर हम अंतर के आधार पर जाएंगे। पर एक चीज बहुत अच्छे से हमें दिखाई देगी कि अगर मैं 2 और 4 को देखता हूं तो वो 6 को बनाते हैं, है ना, 6 = 2+4, ठीक है। तो ये अभी एक तुक्का है कि ऐसा मुझे लग रहा है ये वाला जो नंबर है अपने पीछे वाले 2 से बना है, क्या ये चीज आगे लागू हो रही है, क्या 10 जो है वो पीछे वाले अपने 2 यानी कि 6 और 4 से बना है? बिल्कुल बना है। 16 किससे बना है? 6 और 10 से। 26 किससे बना है? 16 और 10 से। तो आगे जो चीज आएगी मैं ये बोल सकता हूं कि वो दोनों अपने पीछे वाले 2 टर्म्स, पीछे वाली 2 संख्याओं का जोड़ रही होगी, तो 16 और 26 यानी कि कितना आना चाहिए 42, 42 आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। अब आप अपने वीडियो को पॉज करेंगे और इसको एक बार देखेंगे, 1, 1, 2 यानी कि 1 और 1 बन के 2 बन गए, 1 और 2 बन के 3 बन गए, 2 और 3 बन के 5 हो गए, 3 और 5 जुड़ के 8 हो गए, 5 और 8 जुड़ के अब क्या देंगे जन्म 13, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। सम वाले बहुत ज्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते हैं पर हमें तैयारी पूरी, ये हो गए डिवीजन के आधार पर यानी कि भाग के आधार पर। अगर आप देखोगे 400 से 200 हो गए, दिमाग पहली बार में बताता है शायद हम आधा हो गया यानी कि भाग 2 से हो गया, 2 से बटे हो गया, यहाँ पे एक संख्या हमारे लिए नहीं दी हुई है, इसी को हमें पहचानना है। आगे देख रहे हैं 50 से 25 हो गया यानी कि भाग बटे 2 हो गया, यहाँ पे 25 से 12.5 हुए बटे 2 हुआ, तो अब यहाँ पे एक तुक तो बनता है कि एक ट्रायल यहाँ पे बटे 2 करके देखते हैं, तो 200 बटे 2 कितना आ जाएगा 100, क्या 100 का बटे 2 करोगे तो 50 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जब भी एक सीरीज में आपको बीच में प्रश्न चिन्ह दे दिया हो तो इस तरफ से भी आप उसको सॉल्व करेंगे और इस तरफ से भी सॉल्व करके आप उसको वैलिडेट करेंगे, यानी कि देखेंगे कि हाँ ये जो हम सोच रहे हैं वो पूरी तरीके से लागू हो रहा है, ठीक है। तो 200 बटे 2 100 आ गया, 100 को बटे 2 किया तो 50 आया, तो 100 इस तरफ से भी फिट बैठ रहा था और इस तरफ से भी फिट बैठ रहा था। अब इसको देखेंगे एक बार, 960 960 फिर 480, एक चीज तो ये दिखती है कि ये दोनों आधे हैं, ठीक है, 960 को 2 से भाग कर देंगे तो 480 आएगा, क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूं 960 को 1 से भाग किया तो 960 ही आएगा? बिल्कुल, ठीक है।
अब आगे मुझे यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया अपने में। देखिए पर इससे आगे जाता हूं तो दो संख्याएं दी हैं 40 और 8, मुझे मालूम है 40 को अगर मैं भाग करूंगा 5 से, यानी कि 40 डिवाइड बाय 5 तो 8 आएगा। तो एक चीज तो मुझे ये दिख रही है कि डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 यहां पे हो सकता है डिवाइड बाय 3, फिर हो सकता है डिवाइड बाय 4 और ये वाली चीज हो रही है डिवाइड बाय 5। तो ये तीन तो दी हुई है, अब ये एक हमारा तुक्का है, अगर बैठेगा तो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 480 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके लिए यहां पे क्या आना चाहिए 160। तो अभी तो यहाँ पे मैं मानता हूँ 160 आ रहा है, पर ये अभी इस तरफ से हमने फिट बैठा है, क्या हम आगे भी फिट बैठा पाएंगे? देखिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि 160 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या 40 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो डिवाइड बाय 3 भी फिट बैठ रहा है और डिवाइड बाय 4 भी फिट बैठ रहा है, यानी कि इस तरफ से भी हमारे लिए सूटेबल है, इस तरफ से भी सूटेबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में 160 आपका उत्तर होगा, जो प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा के आधार पर भी चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। अंतर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई टाइप है तो वो यही है। देखिए आप ये देख सकता है बच्चा यहाँ पे कि अरे सर ये तो चार चार के अंतर में चीजें चल रही है, हर जगह अंतर चार चार है, तो आप चार के अंतर से देखो ना, गुणा क्यों दिखा रहा हूं मैं, तरीके दिखा रहा हूं आपको, जितने तरीके देखने आएंगे पेपर में उतना आपके लिए आसान होगा। कोई बच्चा ऐसे देख सकता है 4 × 1 = 4, कोई देख सकता है सर 4 का पहाड़ा ही चल रहा है ये, तो है ना। देखिए 12 चौके कितना आ गए 16, पंजे कितनी हो गई 20, 6 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 24, यानी कि 4 × 6। तो इसके आधार पर भी आप बात कर सकते हैं, पर पेपर में चीजें थोड़ी और अच्छे स्तर पे आएंगी। देखिए ये तो सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से 40 बहुत बड़ी छलांग जब भी होना नंबरों में तो सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन के पास आइया करिए, और बहुत बड़ी छलांग ना हो नंबरों में तो आप अंतर के पास जाया करिए, पहला जो एक तरीका होना चाहिए। तो देखिए 10 से 40 हो गए बड़ी छलांग, 40 से 160 हो गए बड़ी छलांग हो रही है, यानी कि अगर × 4 × 4 40 को 4 से गुणा किया 160, 160 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 640। तो इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी गुणा 4 होगी, तो 640 × 4 हो गया आपका 2400, 40 × 4 हो गया 160, तो यहाँ पे आना चाहिए 2560। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। इसके बाद देखिए 10, 28, 82, 244। देखिए 10 से बड़ा नंबर हो गया बहुत 28, यानी कि जंप तो लगी है, किस चीज की दिख रही है मुझे, इंटू 3 की लग रही है, यानी कि 10 × 3 30 के आसपास का नंबर है कुछ ये, ठीक है। और ऐसा नहीं ये जंप आगे भी लगती जा रही है, यानी 28 भी 3 गुना 84 के अराउंड ये नंबर जा रहा है ना, ये 84 के अराउंड ये भी नंबर है 82। तो अब देखिए 82 भी कुछ 3 गुना के आसपास 250 के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक चीज ये देखेंगे कि जंप होती जा रही है, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 10 से अगर हम 28 हुए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 3 − 2, यानी कि 30 − 2, 28 × 3 करके देखिए तो कितना आता है 84 आता है, तो 84 − 2 का 82 होता है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो आगे देखिए 82 × 3 यानी कि कितना होता है 246, तो 246 − 2 = 244, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो आगे क्या होगा × 3 − 2, तो 244 × 3 करेंगे कितना होगा 240 × 3 होता है 720, 4 × 3 होगा 12, यानी कि 732 − 2 आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए 730, यहाँ पे आंसर आपका कितना आना चाहिए 730। तो चीजों को ऐसे हमें करना है पेपर के अंदर, अगर ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं, जंप दिखाई देती है तो मल्टीप्लीकेशन सोचनी है। साधारण मल्टीप्लीकेशन नहीं चल रही है यहाँ पे, क्या हो रही है साधारण मल्टीप्लीकेशन के बाद भी वो आपसे कुछ मेहनत करा रहा है, यानी कि माइनस टू की मेहनत करा रहा है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से आप 19 हो गए, यानी कि 4 गुना के आसपास हो गए, 19 से 74 हो गए, यानी कि 80 के आसपास 4 गुना के आसपास चले गए। तो यहाँ पे भी क्या हम कुछ बैठा सकते हैं तर्क, देखिए इसको आप लिख सकते हो 5 × 4 − 1, ठीक है 20 में से 1 गया 19 मिला। आप देखिए 74 को आप कैसे लिखेंगे, 19 × 4 कितना होता है 76 होता है, हमें चाहिए 74, तो 76 में से 2 घटा देंगे तो आपको 74 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। देखिए आगे क्या हम लिख सकते हैं 74 × 4, 280 + 4 = 16, तो 296, पर यहाँ पे 293 है, तो ये चीज −3 हो रही है ना। अब ध्यान से देखिए हमें एक पैटर्न मिल रहा है, क्या पैटर्न मिल रहा है, देखिए पिछली संख्या 4 से गुणा हो रही है, एक बार फिर −1 हो रहा है, एक बार −2 हो रहा है, एक बार −3 हो रहा है, तो आगे क्या होगा −4 होगा, आगे क्या होगा −4 होगा। देखिए −1 − 2 − 3 − 4, ठीक है आगे क्या होगा 293 × 4
माइनस 4, तो 293 इंटू 4 आप करेंगे तो 300 इंटू 4 1200 हो गया, 7 इंटू 4 28, तो ये आ गया 1172 माइनस 4 1168 आपका आंसर है। आप चाहें तो 292 इंटू 4 भी करके देख सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं और जैसी आपकी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर हाथ नहीं लगाने, कैलकुलेटर हाथ नहीं लगाने। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर या क्यूब वाला क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहली बात तो हमें 15 तक तो स्क्वायर्स और क्यूब यानी कि वर्ग और घन पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जितने यहाँ पे स्क्रीन में आ जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जगह, मैं 11 तक लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको पर 15 से 20 तक कम से कम याद रहने चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 49, 64, 81, 100 और क्या आएगा 121, ठीक है। इसके अगर हम घन लिखेंगे यानी कि क्यूब लिखेंगे, ये तो स्क्वायर्स हैं, आगे हम लिख रहे हैं क्यूब्स, तो वो देखिए क्या आएगा 1, 8, 27, 64, ठीक है, 125, उसके बाद 216, उसके बाद 343, इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो आएगा आपका 512, इसके बाद आएगा आपका 729, आएगा 1000 और उसके बाद आएगा 1331, ठीक है। आपको 12, 13 सबके पता रहने चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे, या तो स्क्वायर के आधार पर या तो वर्ग घन के आधार पर, ठीक है, वर्ग या तो घन कैसे होंगे ध्यान से देखिए। क्या होता है कई बार हम ना स्क्वायर्स हमारे पास दिमाग में रहते हैं, ये वाली चीज रहती है, क्यूब हम याद नहीं करते अमूमन, तो क्यूब में भी चीजें में फंसाया जा सकता है, क्यूब के आधार पर भी आपको फंसाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 से हम 8 हुए, 17 हुए, 33 हुए, तो क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा बोल सकता है हाँ सर ये तो 4 का अंतर है, हाँ सर यहाँ पे तो 8 से अगर 17 और है 9 का अंतर है, ठीक है, 17 से सर 33 हो गए, क्या हो रहे हैं हम 16 के अंतर में। अब आप देखिए 4 क्या खुद 2 का वर्ग है, हाँ, 9 क्या 3 का वर्ग है, हाँ, आगे क्या 16 जो है वो 4 का वर्ग है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 का वर्ग यानी कि 25 का अंतर होना चाहिए, तो 33 और 25 यानी कि यहाँ पे 58 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 58 आना चाहिए, ऐसे पैटर्न को देखना है। इसके बाद देखिए 2 से हम 3 हो गए, 11 हो गए, 38 हो गए, 102 हो गए, तो यहां जो डिफरेंस था वो वर्ग के आधार पर था, स्क्वायर के आधार पर था, क्या यहां पे देखेंगे तो 1 यहां पे आ गया, 8 यहां पे आ गया, 11 38 करेंगे 27, हाँ 38 102 64, तो क्या ये नंबर अब दोस्त वाले लग रहे हैं आपको, पहचाने हुए लग रहे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे क्या आना चाहिए 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 102 और 125 कितना हो जाएगा 227, यहाँ पे कितना आना चाहिए 227, कितना आना चाहिए 227। एक बार स्क्रीन आप वीडियो पॉज करके इनको भी ट्राई करेंगे, देखिए 3 से हम हो गए 7, 7 से हम हो गए 13, फिर हो गए 21, फिर हो गए 31, ठीक है, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज तो ये दिख रही है, अगर हम वर्ग के आधार पर देखें तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि बॉस 3 को उसने लिखा है शायद इस तरीके से 1 स्क्वायर प्लस 2, 7 को उसने क्या लिख दिया 2 स्क्वायर प्लस 3, 13 को उसने क्या लिख दिया ध्यान से देखिए, 13 को उसने लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 4, 21 को उसने क्या लिखा है 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 5, 31 को कैसे लिखा है 5 स्क्वायर प्लस 6, तो अगर आप देख रहे हो जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस एक संख्या बड़ी यानी कि यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 7, तो 6 स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 7 43, यहाँ पे 43 आना चाहिए यानी कि 36 प्लस 7। कुछ बच्चे इसको अंतर के आधार पर भी देख सकते हैं, देखिए कैसे हो सकता है 4 यहाँ पे क्या आया अंतर 6, यहाँ पे क्या आया अंतर 8, यहाँ पे अंतर क्या आया 10, तो यहाँ पे अंतर क्या आना चाहिए 12, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 31 12 43। तो देखिए सब मैं नजरिए आपको दिखा रहा हूं, कई बार अंतर से चीजें बन जाएंगी, कई बार आपको ये भी डायमेंशन सोच के रखनी है यानी कि ऐसे तरीके भी दिमाग में फिट करने हैं, तब जाके आप पूरी तरीके से तैयार होंगे, हमें नहीं मालूम पेपर में हमारा दिमाग हमको पहले क्या दिखाए, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए 2 से हो गए 12, 12 से हो गए 36, 80, अब 36 ठीक है 80 2 12, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 8 प्लस 4,
इसको आप लिख सकते हो 27 प्लस 9, इसको आप लिख सकते हो 64 प्लस 16। क्या ये नंबर आपके परिचित हैं, यानी कि पहचान वाले हैं? हाँ, ये है 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये है 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, ये है 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, ये है 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर। तो आगे जो आएगा वो क्या आएगा, 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 125 प्लस 25 आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे, 150, ठीक है 150। अब देखिए, अब ये सारे प्रश्न लिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 13 1331, तो इसी संदर्भ में 17 का क्या रिलेशन होना चाहिए यहां पे जो नंबर आया उससे। तो 13 और 1331 में कुछ तो ऐसी पैटर्न बन रही है जो 17 और यहां वाले नंबर में बननी चाहिए, ठीक है। देखिए 1331 अगर आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने लिखा है 1331 किसका घन है, ये 11 का, ठीक है। तो दिमाग इस तरीके से भगाना है हमको, ठीक है। तो यहां अगर 13 दिया है तो यहां पे 11 का वर्ग आ रहा है, घन आ रहा है, यानी कि क्यूब आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 13 माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो यहां मैं क्या देख सकता हूं, अगर यहां 17 है तो 17 माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 15 का क्यूब। 15 का क्यूब है क्या यहाँ पे, देखिए 3375, ठीक है। आपको अगर 3375 नहीं याद था तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15, यानी कि यहाँ पे अगर 15 का क्यूब बोला जा रहा है, कोई भी संख्या जिसमें आखिरी में 5 आ रहा है, इसका वर्ग निकालिए, क्यूब निकालिए, हमेशा वो खत्म किस पे होगा, 5 पे होगा। यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 पे होगी। अब इसको देखिए 147222, यानी कि ना ये मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है उसके, ना कुछ वर्ग बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सोच ये हो सकती है कि 222 और 147, यानी कि 222 और 147, यहाँ पे अगर हम अंतर लेते हैं 53 और 22 75, तो क्या 158 और एक ऐसी संख्या हो सकती है जिसका अंतर 75 हो? हाँ, तो 158 में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, आखिरी में 3 आना चाहिए। तो इकलौता ऑप्शन है 233, यानी कि आप 158 में 75 जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 5 7 12 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 13। ये ऐसी चीजें बन गई, 233। तो तुरंत कर सकते हैं ये, तो मैं बच्चे जो नहीं समझते हैं धीरे धीरे समझते हैं उनके लिए लिख रहा हूं। आप यहाँ पे तुरंत देख सकते थे, 8 में अगर 5 जुड़ेगा आखिरी में 3 आना चाहिए। तो पेपर के प्रश्न है ये, ऐसे नहीं कि बस रेंडमली लिए जा रहे, पेपर में इतने इजी प्रश्न भी आते हैं, ये एनालॉजी के बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 5 27 7 8 39, यानी कि 5 और 27 में ऐसा कुछ संबंध है जो 8 और 39 में भी है, तो उसी के आधार पर बताइए यहां पे 7 के साथ वैसा कौन सा संख्या होगा जो यही सेम संबंध दर्शाएगा, सेम रिलेशन दिखाएगा। तो अगर हम यहां पे देखते हैं, अगर 5 से हमें 27 लाना ही है तो हम कैसे ला सकते हैं, हम ऐसे भी ला सकते हैं 5 × 4 + 7, है ना, हम ऐसे भी ला सकते हैं 5 × 5 + 2, हम ऐसे भी ला सकते हैं 5 × 6 - 3, है ना, दोनों तीनों तरीके से ला सकते हैं। हम 8 और 39 में देखते हैं, 8 और 39, तो 8 4 32 + 7 भी देख सकते हैं, यानी कि ऐसा वाला पैटर्न दिख रहा है फॉलो होते हुए। और भी कुछ है क्या, देखिए 8 × 5 तो आपका बहुत दूर 40 में से एक आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे -1 आ रहा है। तो ये देखिए, ये पैटर्न और ये पैटर्न फॉलो नहीं होते दिख रहे हैं। आप 8 × 6 के साथ भी करेंगे तो 48 - आपको 9 करना पड़ेगा, तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होते हुए नहीं दिख रहा है। पर ये पहला वाला दिख रहा है कि 4 से गुणा कर दी और 7 जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी वही चीज होनी चाहिए कि 7 को 4 से गुणा कर दी और आखिरी में 7 जोड़ दिया, तो 28 और 7 35, 7 × 5 = 35 भी आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते थे, ठीक है। देखिए तो नॉर्मल कैलकुलेशन करी जा रही है, मल्टीप्लीकेशन और फिर एक पैटर्न को पहचानने की कोशिश करी जा रही है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगाई जा रही। अब देखिए ये नंबर इतने खुद बेचारे साधारण से होते हैं, ये देखिए ये 227 है, ये 576 है, ऐसे नंबर हमेशा याद रहने चाहिए, ये होता है 24 का वर्ग, यानी कि 24 का वर्ग होता है 24 का स्क्वायर। तो यहां पे मैं ये चीज देख सकता हूं कि 27 - 3 किया गया है और उसका स्क्वायर ले लिया गया, भाई 27 से 24 लाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, 27 में से 3 घटा दिया और उसका स्क्वायर ले लिया। तो अगर यहां पे 19 है, ठीक है, तो 19 में से 3 घटा दिया कितना आया 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 256, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखिए
पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी ज्यादा, सारी कैलकुलेशन दिमाग में होती रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए 283, 359, 428, 490, 545। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अंतर को लाइट के देखते हैं पहले। तो 83 मतलब 17 और 59 यहां पे कितना बनता है, 76 का अंतर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा जंप नहीं लगा रहे भाई, 283 का गुणा 2 से भी करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 600 के पास। ठीक है, तो ये 76 का अंतर था। 359 और 428 को आप करके देखो, 28 और 41, तो ये 69 का अंतर आ रहा है। यहां पे क्या अंतर आ रहा है, 62 का अंतर आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। देखिए अंतर में भी आपको 7 का डिफरेंस दिख रहा होगा, अंतर में भी आपको 7 का डिफरेंस दिख रहा होगा। यहां पे कितना अंतर है, 55 का। तो हां बिल्कुल आपको 7-7 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे एक चीज ऐसी आनी चाहिए जिसका अंतर 7 हो। 55 से 7 घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 48। ठीक है, तो यहां पे एक ऐसी चीज आपको मिलेगी जिसका अंतर 48 हो। तो 545 और 48 आखिरी में आना चाहिए, 3 तो बहुत सारी संख्याओं में। तो 545 प्लस 45 करो, 590 में 3 जोड़ दो, 593 आपका यहां पे आंसर बनता है। आप चाहें तो ऐसी एडिशन भी कर सकते हैं, पर इतना समय हमें जाया नहीं करना है। तो जब हम क्लासेस करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट्स भी कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, चलिए सारे टाइप ऑलरेडी उदाहरण में कराए हुए हैं कि अंतर में भी अंतर चल सकता है ना। चलिए 192, 408, 283, 192, 408, 283, 347, इसके बाद लिखा है 320। ठीक है, यहां पे देखिए अंतर बढ़ रहे भी है घट भी रहे हैं, तो ये एक अच्छा टाइप है। ये कौन से साल का प्रश्न है, 2021 का मौजूद। तो 192 और 408 अंतर क्या हुआ, 216। यहां अंतर क्या हुआ, 408, 283, 125। 283 और 347, 47 और 17, 64, 64। ठीक है, यहां पे पर अंतर जो है वो माइनस में आ रहा है, यहां पे बढ़ रहा था। 192 से 408 हुए तो 216 आया, पर 408 से अब आप घट गए, बढ़े नहीं, तो अंतर माइनस में आया। यहां पे 283 से 347 हुए, अंतर पॉजिटिव में है। 347 से पर आप घट गए, कितना घट गए, -27। तो क्या अब ये नंबर से आप वाकिफ नहीं है, ये क्या है 6 क्यूब, ये क्या है -5 क्यूब, ये क्या है 4 क्यूब, ये क्या है -3 क्यूब, तो आगे क्या आएगा 2 क्यूब। ठीक है, तो 2 क्यूब मतलब कितना होता है, 8। तो यहां पे जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 8। तो 320 में 8 जोड़ दो, कितना आएगा, 328 है क्या ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी। इतनी आसान चीजें, ये सब पेपर की प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है, 52, 91, 72 डैश। 52 और 91 को अगर आप देखोगे तो आपका 13 का एक पहाड़ा, यानी कि 13 का टेबल दिमाग में चलना चाहिए कि 13 फोर जा होता है 52 और 13 सेवन जा होता है 91। तो क्या 72 को किसी का 4 टाइम्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 18 × 4 होता है 72। तो उसी आधार पर अगर आप देखोगे तो 18 × 7 क्या होना चाहिए, 180 में से 54 घटा दीजिए, 126, ये आपका ऑप्शन है, 126 ये आपका ऑप्शन है। इतनी आसानी से प्रश्न लगते हैं पेपर में, इन सब में समय जाया करेंगे तो फिर कैसे काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए 38, 53, 70, 89 अंतर क्या दिखा मुझे, यहाँ पे बहुत चीख चीख के 15 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है अंतर, 17 दिख रहा है, यहाँ पे क्या अंतर दिख रहा है, अरे 19। ये तो बहुत ही नहीं, ऐसे शब्दों का यूज करना है, ये बहुत आसान प्रश्न है। 15, 17, 19 आगे क्या आएगा अंतर, 21। तो 89 और 21 आप करेंगे तो कितना आएगा, 110। बहुत आसान था ये प्रश्न क्या, चलिए देखेंगे आगे। 18, 34, 66, 130। 18 से अगर 34 हो गए तो अंतर क्या बैठा, 16 का बैठा। हाँ, यहां पे अंतर क्या बैठा, 32 का बैठा। ठीक है, यहां पे अंतर क्या बैठ रहा है, 64। तो अगर आप अंतर को भी देख रहे हैं अच्छे से तो एक 16 दिख रहा है, फिर 32 दिख रहा है, फिर 64 दिख रहा है। ये क्या (2)(2)(2)(2) नहीं होते जा रहा है, (2)(2)(2)(2) नहीं होते जा रहा है। तो यहां पे भी (2)(2) करा दो, 128। तो यहां आना चाहिए अंतर 128। तो 130 में 128 जोड़ दो, 258। 258 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। मजा आ रहा है, थक तो नहीं रहे हो? ठीक है, चलिए देखिए एक दो और प्रश्न कराता हूं फिर छुट्टी दे दूंगा। 115, 178, 241, 304 अंतर लेने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे ही नंबर है जहां पे आपको अंतर लेने में कठिनाई हो, 63, 241, 41 और 23, 63, 304 मतलब हो गया ये 4 और यहाँ पे 59, 63।
तो अंतर आपको अब सेम दिख रहा है 63 63 63, तो यहां पे भी 63 हम उसी के आधार पे बोल सकते हैं, तो 304 और 63 367। क्या इतने आसान प्रश्न हम पेपर में नहीं बनाएंगे क्या? देखिए हम बस नंबर देख के डर जाते हैं, हमें सॉल्व आगे करनी नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको चीजों को बनाना है। आप देखिए 30-83 118 160 210, अंतर यहां दिखा 50, अंतर यहां दिख रहा है 42। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 30-83 118 160 210। ठीक, यहां अंतर क्या देखा 50, यहां अंतर क्या देखा 42, यहां अंतर क्या देख रहा है 18 और 17 को लिख लीजिए 35। ठीक है, ये 75 था, ये 76 था, बट ये 77 नहीं है, है ना। ठीक है, यहां भी एक पैटर्न दिख रहा है, ये 8 का अंतर हुआ, ये क्या हुआ 7 का अंतर हुआ। ठीक है, तो एक तो ये बनता है कि यहां जो अंतर आएगा वो 6 का आ सकता है, है ना। तो यहां पे 29 होना चाहिए। अगर मैं 83 से 29 को घटा दूं, 83 में से 29 घटा दूं, तो कितना आना चाहिए 54। यहाँ पे क्या आना चाहिए 54। पर अभी ये सिर्फ इस तरीके से फिट बैठा है। जब भी मैंने आपको बताया कि बीच में प्रश्न चिन्ह हो तो यहां से भी फिट बैठाओ और यहां से भी फिट बैठाओ। ठीक है, तो इसी के आधार पर अगर ये 6 का अंतर था तो आगे क्या होना चाहिए 5 का अंतर होना चाहिए। तो 29 और 5 यानी कि 29 और 5 को अगर आप देखोगे तो क्या होगा 24। हाँ, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। देखिए 30 और 24 कितना होता 54, यानी कि 54 यहां लिख रहा हूं मैं, तो यहां पे भी अंतर दिख रहा है 29 का और ये पैटर्न चलते जा रहा है ना। ध्यान से देखिए इस चीज को, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे देखिए, अभी तक जो अंतर मिल रहा था 50 42 35 29, ठीक है, किस आधार पे 8 7 6, आगे क्या मिलना चाहिए 5, तो 29 में से 5 क्या कितना होना चाहिए 24। तो 30 और 24 54 देता है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आप ये देख सकते थे कि जिस आधार पर हम आ रहे थे 8 7 6, यानी कि अगर यहाँ पे 7 था यहाँ पे 6 हो रहा है, यानी कि 35 में से 6 क्या कितना होता है 29 होता है, 35 में से 35 में से 6 चला गया कितना होगा 29। तो 83 और 29 का अंतर भी 54 आ रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब है 83 से भी हम 54 पे आ जा रहे हैं और 30 से भी 54 पे हम आ जा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से हम फिट बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ये अच्छा प्रश्न था, हल्का दिमाग तो कहीं कहीं लगाना पड़ेगा, बट ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही बनेगा। अब देखिए 12 8 100, यानी कि इन दोनों को कुछ तो मल्टीप्लीकेशन ही की होगी तब जाके इतना बड़ा नंबर आया, और दिमाग ये भी कह रहा है कि 12 8 96 होता है, यानी कि 12 8 96 होता है। तो क्या इसे 12 8 96 + 4 = 100। ठीक है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 8/2, 4 को आप लिख सकते हो 8/2। ये एक तुक्का है, यहां पे फिट बैठेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। 18 × 6 यानी कि 108 प्लस 6/2 3। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इस नंबर का डिवीजन बाय 2 हो रहा है और उसको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, 18 × 6 कितना हुआ 108, 108 में 3 ही क्यों जोड़ा गया, क्योंकि वो 6/2 था। 12 8 96, इसमें 4 ही क्यों जोड़ा गया 100 को लाने के लिए, क्योंकि जो 4 है वो 8/2 था। तो यहां पे क्या होगा 15 4 60 प्लस 4/2 यानी कि आ गया 60 + 2 62। आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, जो भी मिडिल वाली कॉलम में चीजें थी वो डिवाइड बाय 2 होके जुड़ जा रही थी। तो इतनी आसानी से आप पैटर्न को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, 3 11 31 69 131। 69 131, ये 64 के पास की कोई चीज है, ये 125 के पास की कोई चीज है, 31 जो है वो खुद 27 के आसपास की चीज है। क्या ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। अब बैठाने की कोशिश करते हैं 3 11 31 69 131। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 + 6, यानी कि ये 5 3 + 6 हो गया, ये हो गया आपके लिए 64 + 5 यानी कि 4 3 + 5, ये हो गया आपके लिए 3 3 यानी कि 27 + 4। हाँ, तो देखिए ये पैटर्न आपको मिल गया है, ये चीज है आपकी 2 3 + 3, ये थी आपकी 1 3 + 2। तो ये ऐसे पैटर्न अभी उदाहरण में भी हमने किए हैं। ठीक है, तो 1 3 2 3 4 5 यहाँ क्या आएगा 6 3 2 3 4 5 6 7, तो 216 तो यही हो गया, उसमें 7 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 223, ऑप्शन डी।
इतनी आसान होती है चीज, मजाक नहीं कर रहा, यही सब पेपर में मार्क्स देते हैं, ठीक है। 18 अप्रैल 58, 67, 83, 108 अंतर कितना आ गया? 9 का। यहां अंतर क्या आ गया? 16 का। यहां अंतर आ गया 25। बताओ इतने आसान क्वेश्चन, 9, 16, 25 अंतर 36, यानी कि 6 स्क्वायर। ये आपका था 3 स्क्वायर, ये था आपका 4 स्क्वायर, ये था आपका 5 स्क्वायर, ये आ गया 6 स्क्वायर। तो 108 और 36 जोड़ लीजिए, 144 आना चाहिए। आंसर है ऑप्शन डी। इतने इजी पेज पर में आते हैं प्रश्न, ठीक है। आपको चीजों को सिंपल रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। थकना नहीं है, बढ़िया से चलना है, ठीक है। 15, 81 और 12, 18, 99 और 15, ठीक, और 17, 120 डैश। अब देखिए 15, 12 करूंगा तो लंबी वैल्यू चली जाएगी, है ना, 180 के आसपास पहुंच जाएंगे हमको, पर 81 चाहिए। 81 जो है वो खुद में ही क्या है, 9 का मल्टीपल है। 15 और 12 से 9 लाया जा सकता है क्या? हाँ, उसके अंतर का स्क्वायर है। मतलब 15 और 12 का अंतर क्या हुआ? 3। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। 9 का स्क्वायर क्या हुआ? 81। पर ये सोच बहुत ही अटपटी भी है ना। देखिए क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर आ रहा है, 99 खुद किसी का स्क्वायर नहीं, 120 खुद किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे हम फेल भी होंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक बार में तुरंत बन जाएगी, अमूमन बनेगी जितनी प्रैक्टिस रहेगी। और देख सकते हैं 81, यानी कि आप देखो 81 को आप ऐसे लिख सकते होगा 27 × 3। क्यों बोल रहा हूं, देखिए 15 और 12 कितना होते हैं? 27 इंटू 3 क्या होता है? 15 − 12। क्या अब आपको चीजें दिख रही है? 15 + 12 = 27 इंटू 15 − 12 = 3, ये आपको दिया 81, ठीक है। अब देखिए 18 + 15 कितना हो गया? 33 इंटू 18 − 15 = 3, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो 17, यहां पे x ले लीजिए जो भी आएगा, 17 + x इंटू 17 − x आना चाहिए कितना? 120। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेसिक एलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 17² − x² शुड बी इक्वल टू 120। तो ये आ गया आपका 289, ये आ गया x स्क्वायर, ये आ गया 120, तो भाई x स्क्वायर आ गया 169, यानी कि x हो गया आपका 13। 13 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए, ठीक है। तो पैटर्न पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चीज तभी आप अपने अंदर बेहतर करते रहेंगे जब तक आप चीजों को सिंपल रखेंगे, ठीक है, सिंपल रखेंगे और प्रैक्टिस मन लगा के करेंगे। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी हार हो, ठीक है। तो अभी काफी उदाहरण और प्रश्न भी आपको दिखाए गए, मजा आया होगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं और ऐसे ही आगे, और कहीं कुछ क्वेरी रहे तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।